विविन ने स्टैंड लिया है अविनाश के लिए। एक्चुअली में अविनाश को एलिमिनेट जो है नहीं करना चाहता था विविन। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार पूरा माजरा हुआ क्या है। जैसे कि बिग बॉस ने पूछा कि दो लोगों को डालो, तो सब लोगों ने अपने बारे में बोला और बीच में जो है काफ़ी सारे झगड़े, काफ़ी सारी बातें हुई और उसी बीच में जो है बिग बॉस ने भी काफ़ी बार रोका टोका और हेमा को जो है यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कंटेस्टेंट ही नहीं है तो बोलती कि नहीं बुरा लगेगा, तो ठीक है मैं अपनी क्रिएटिव टीम को जो है वो बोलूँगा मैं। इस तरीके से जो है बिग बॉस ने बोल दिया। अब जो है जैसे कि शहजादा ने चाहत और मुस्कान का नाम लिया, रजत ने चाहत और मुस्कान का नाम लिया और चाहत ने अभी तक कोई नाम ही नहीं लिया क्योंकि चाहत ही जाने वाली थी। तो अरफीन ने अविनाश और मुस्कान का जो अविनाश है, चाहत और बग्गा, यानी कि ऑलमोस्ट जो है लोगों ने चार लोगों के नाम लिए जो था बग्गा, मुस्कान, अविनाश और चाहत। सबसे ज्यादा जो 11 लोगों ने जो है नाम लिए अविनाश का, 11 लोगों ने अविनाश का नाम लिया और चाहत का भी ऑलमोस्ट सब लोगों ने लिया। बग्गा का 6 लोगों ने लिया और मुस्कान का 4 लोगों ने लिया। तो मेजॉरिटी के हिसाब से जो है चाहत और जो अविनाश जो है वो जेल में जाने थे, पर ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच में जो है काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और बीच में आ गए भाई, कौन आ गए, रजत दलाल। रजत दलाल ने ये बात बड़ी कमाल की बोली, मेरे को तो एक्सेप्टेबल लगी, अच्छा लगा कि भाई बंदा डर जाएगा और ये बात मानेगा और सब लोगों को राशन मिलेगा, नहीं तो ये एक्चुअली में मान नहीं रहा है। उसने बोला कि अगर ये मान नहीं रहा है, अगर कोई मान नहीं रहा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग जो है किसी एक को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, तो नाम लो कि भाई कौन कौन एलिमिनेट करना चाहता है। जब ये बात आई तब वहां पर विविन ने बोल दिया कि भाई मैं एलिमिनेशन के हक में नहीं हूं, एलिमिनेशन वगैरह का बात मत करो, ये सब चीजें सही नहीं है। इवन नायरा ने भी ये बात बोली कि नहीं ये बात सही नहीं है। इवन ये जो करणवीर है उसने भी बोला कि ये बात सही नहीं है। पर आखिरकार ये सब चीज़ें डिसीजन जो है वो लेना ही पड़ा और डिसीजन लेने के बाद जो है अविनाश का नाम आया और अविनाश को जो है घर से बेघर करने के लिए एलिमिनेट कर दिया गया। पर जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि बिग बॉस ने बोला सबके साथ ना इंसाफी नहीं होगी, इस बार इंसाफ होगा, तो बिग बॉस ने इंसाफ कर ही दिया है। तो अविनाश को घर के अंदर बुला के जेल में तो डाला, राशन तो दिया है, पर उसी के साथ अविनाश को दे दी है पावर। तो अभी आप लोग बताइए कि भाई जो एक्चुअली में एलिमिनेट करना सही डिसीजन था घर वालों का, रजत दलाल ने जो बात बोली, एक्चुअली में अगर रजत दलाल ने बोली वो बहुत ही सही बोली मेरे हिसाब से, कि दूसरा बंदा जो है ना डर जाता है कि भाई एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं कि भाई वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक्चुअली में चलो ठीक है भाई हम चले जाते हैं, घर वालों को जो है वो मिल जाए राशन, पर अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट रखना चाहिए जैसे कि अविनाश ने रखा कि भाई मैं तो अड़ा हूँ, मैं तो अड़ा ही रहूँगा। और जो बंदा सही के लिए अड़ा रहता है, अपने लिए खड़ा रहता है, उसके साथ ऊपर वाला बुरा होने ही नहीं देता। और बिग बॉस के घर में ऊपर वाला कौन है? खुद बिग बॉस। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।